हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर। एक बार फिर से जेई और नीट एग्जाम हो रद्द, वैकल्पिक मूल्यांकन का दिया जा रहा है सुझाव। जी हां दोस्तों, लिखा हुआ है कि देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के साथ शिक्षाविद कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस साल नीट, जेई और क्लैट जैसी अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने का आह्वान कर रहे हैं। वे छात्रों को सीट प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन का प्रस्ताव देते हैं। इस कोविड-19 महामारी के दौरान हर कोई संकट में है। इसके मामले जुलाई और अगस्त में बढ़ने की उम्मीद है। देश भर के करोड़ों छात्रों के लिए एक परीक्षा सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाना असंभव होगा। शिक्षाविद का कहना है कि जब तक कोविड-19 मामलों में कमी नहीं आती, तब तक परीक्षा स्थगन भी एक विकल्प नहीं है, क्योंकि यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसके बजाय छात्रों को संबंधित विषयों में उनके बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा की तुलना में स्कूल बोर्ड परीक्षा के अंकों पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर आपको जो है नीट और जेई में प्रवेश दिए जाने की बात की जा रही है। एक और शिक्षाविद ने सुझाव दिया है कि केरल में बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का सामान्यकरण कैसे किया जाता है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सामान्य प्रवेश परीक्षा के अंकों और सामान्य बोर्ड परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जाता है। बोर्ड स्कोर के सामान्यकरण या फिर नॉर्मलाइजेशन में अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन और मानव विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है। इसके अलावा कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्थानीय छात्रों को अधिक प्राथमिकता देने के लिए भी कॉल भी किए गए थे। तो दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि 1 करोड़ छात्रों का यहाँ पर एग्जाम लेना कोविड-19 के अंदर संभव नहीं हो पाएगा, और जो आगे उनके अंदर प्रवेश जो है उनको जो है वैकल्पिक ऑप्शन के ऊपर दे दिया जाना चाहिए। मतलब है कि आपके बोर्ड परीक्षा के अंकों पर आपको जो है यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। और साथ में दोस्तों, कोविड-19 के अंदर एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कि मानव जो आपके स्टूडेंट हैं उनके मानसिक स्तर पर जो है अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो प्रभावित ज़रूर होंगे। तो इसलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बोर्ड के अंकों के आधार पर ही जो है इनको जो है एडमिशन दे दिया जाए। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या बोर्ड के अंक के आधार पर एडमिशन देना संभव है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना अच्छा होगा या फिर बोर्ड के अंकों के आधार पर ही आपको जो एडमिशन मिले वो अच्छा होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।